Money. आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस घंटे को बजाएं ऑल प्रेस करें हमारी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो आप सबका स्वागत है एजरी टेच यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों मेरा नाम है शुभम और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों बिना डिश एंटीने से चलने वाला सेट टॉप बॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड्रॉयड टीवी बॉक्स है और इसके ऊपर लिखा है दोस्तों H96 max 8K अल्ट्रा HD 4K नहीं दोस्तों 8K। दोस्तों इसमें एकदम HD जो HD चैनल होते हैं दोस्तों एकदम जबरदस्त क्वालिटी में यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी इस सेट टॉप बॉक्स में। तो दोस्तों इस सेट टॉप बॉक्स के आज अनबॉक्सिंग आपको करके दिखाऊंगा, इसका रिव्यू करके दिखाऊंगा, इसके अंदर कैसे होता है, फंक्शन कैसे चलता है, मेन्यू कैसे होता है, सब कुछ जानकारी आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। आपको ये वीडियो समझ मतलब प्रॉपर देखना है तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखोगे तभी आपको इस बॉक्स के अंदर क्या कुछ कैसे चलता है कैसे नहीं सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। इस बॉक्स की खासियत ऐसी दोस्तों इसके अंदर 6000 से ऊपर आप टीवी चैनल देख सकते हैं। तो कैसे देख सकते हैं दोस्तों इस वीडियो के साथ बने रहिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दोस्तों रेड कलर में सब्सक्राइब बटन आपको मिल जाएगा, उस बटन को क्लिक करके एजरी डिटेच यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि दोस्तों आपके लिए ऐसे हम रोज़ाना टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहते हैं। अच्छे अच्छे बॉक्स होते हैं दोस्तों जो भी यूट्यूब पे हम आपके लिए लेके आते हैं। तो चलिए इसके अनबॉक्सिंग करके दिखाएंगे। इसके पहले मैंने ओपन करके देखा था दोस्तों, इसको मैंने यूज़ किया है 4-5 दिन यूज़ करने के बाद आपको आपके साथ एक्सपीरियंस में शेयर करने जा रहा हूँ अभी। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको बॉक्स देखने को मिल जाएगा H96 max plus। तो कुछ इस तरह से इसकी बॉडी लोगे दोस्तों, नीचे से कुछ छेद दिए है, यहाँ पे आप देख सकते हो रैम 4GB है और रोम जो है दोस्तों इसकी रोम 32GB यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से सेट बॉक्स है। यहाँ पे जो डिस्प्ले होता है दोस्तों इसका यहाँ पे USB 1 दिया है, USB 2 दिया है। आप इसको माउस से भी ऑपरेट कर सकते हैं, कंप्यूटर का माउस यहाँ पे लगाओगे तो दोस्तों ये माउस से ऑपरेट हो जाता है। यहाँ पे इंटरनेट केबल दिया है, जिनके पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन है उनके लिए सेट बॉक्स एकदम ज़बरदस्त है क्योंकि उनके पास अनलिमिटेड डाटा होता है। अनलिमिटेड डाटा के साथ साथ आपके डिश एंटीना का जो खर्चा है 500 रुपये मंथली वो आप इस सेट बॉक्स लगा कर बचा सकते हैं और वो भी आप फ्री में फुल HD चैनल देख सकते हैं। OTG यहाँ पे हम लगा सकते हैं, आउट मतलब ये OUT मतलब यहाँ पे हम HD लगा सकते हैं, HDMI केबल लगा सकते हैं, HDMI केबल के जरिए हम आपके LED TV में फुल HD चैनल चला सकते हैं। दोस्तों ये है दोस्तों AV पोर्ट। तो दोस्तों AV पोर्ट क्या है दोस्तों, इसके जरिए हम आपके नॉर्मल TV को भी बना सकते हैं स्मार्ट TV। तो दोस्तों ये हुआ AV पोर्ट, मतलब हमने जैसे कल का वीडियो बनाया था दोस्तों तो ये उसका जुगाड़ है दोस्तों। ये बिना मतलब आपके पास डब्बा TV रहेगा दोस्तों, इसके जरिए हम उस डब्बा TV को भी बना सकते हैं स्मार्ट TV। दोस्तों APD से ये आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में इसका प्रॉपर्स क्या है, ये कैसे काम करता है। यहाँ पे DC है दोस्तों, ये DC के वो मतलब जो अडेप्टर आपको दिखाऊंगा मैं, उस अडेप्टर के दर्जे ये चलता है। TFT मतलब इसके अंदर हम मेमोरी कार्ड लगाएंगे दोस्तों, इसके अंदर जो आप मेमोरी कार्ड में चलाएंगे वो इसके अंदर चलता है। ये वो दोस्तों आपका स्मार्टफोन जैसा रहता है सेम उसी तरह। चलिए इसके अंदर आपको और क्या क्या चीज़ें मिलती है आपको दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने ओपन किया, ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको सबसे पहले रिमोट मिलता है, प्यारा सा रिमोट। यहाँ पे रिमोट की क्वालिटी भी देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आपको एंड्रॉयड रिमोट देखने को मिल जाता है। तो रिमोट को भी रख देते हैं साइड में और इसके बाद आती है दोस्तों बात HDMI केबल की। दोस्तों इसके साथ HDMI केबल आपको मिल जाता है क्योंकि ये 4K 8K बॉक्स है, मतलब इसको आप ऑडियो वीडियो लीड भी लगा सकते हैं, उसके साथ साथ आप HDMI भी लगा सकते हैं। HDMI लगाओगे दोस्तों आपकी पिक्चर क्वालिटी बेटर आपको मिल जाएगी। तो उसको भी हम साइड में रख देते हैं। उसके बाद आपके अडेप्टर की बात आती है दोस्तों। अडेप्टर के हम एकदम ज़बरदस्त क्वालिटी का यहाँ पे दिया है दोस्तों। यहाँ पे कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाएगा, इसका आउटपुट वोल्टेज है दोस्तों 5V 2A। दोस्तों अडेप्टर भी एकदम काफ़ी बढ़िया दिया है। तो ये हुआ दोस्तों ये सेट टॉप बॉक्स का कमाल। तो चलिए हम आपको इसकी अभी TV स्क्रीन के लेके चलते हैं और यहाँ पे इसके अंदर क्या कुछ आपको कैसे करना है, वाईफाई कनेक्ट कैसे करना है, चैनल कैसे चलाना है, सब कुछ आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए चलते TV स्क्रीन की ओर। तो दोस्तों यहाँ पे हम आ चुके हैं अभी TV स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे मैंने बॉक्स भी कर रखा है कनेक्ट और कनेक्ट करने के बाद दोस्तों H96 max plus कुछ इस तरह से बॉक्स का नाम आपको देखने को मिल जाएगा। तो बूट लोगो है इसका, इस बॉक्स का ये दोस्तों बहुत ही लोड लेता है क्योंकि दोस्तों ये एंड्रॉयड सेटअप बॉक्स होने के कारण ये थोड़ा लेट ही चालू हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं
जैसे अपना मोबाइल जो स्विच ऑफ आप ओपन करते हैं ऑन स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं तो उतना वैसे टाइम लगता है दोस्तों, इसको भी ऑन होने में वही टाइम लगता है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से इसका बूट लोगो है और अंदर का जो फंक्शन है दोस्तों आपके सामने अभी हाजिर है दोस्तों। कुछ इस तरह से आपको ये एंड्रॉयड सेट टॉप बॉक्स देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात आती है दोस्तों यूट्यूब आप चला सकते हैं। यूट्यूब खास बात है दोस्तों, यूट्यूब यहाँ पे इसके अंदर चलता है। गूगल प्ले दोस्तों, गूगल प्ले के जरिए आप जो भी मतलब प्ले स्टोर के ऊपर जो एप्लीकेशन रहेगी दोस्तों यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हैं। क्रोम है, ब्राउजर है और माय एप्लीकेशन यहाँ पे आपको पता चलता है दोस्तों। यहाँ पे ओके करके आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर कितने एप्लीकेशन आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों। यहाँ पे मैंने 4-5 दिन पहले एक वीडियो बनाया था CRT टीवी में, मैंने मोबाइल कनेक्ट करके मतलब जो स्क्रीन कास्ट करके दिखाया था, नॉर्मल टीवी को मैंने बनाया था दोस्तों स्मार्ट टीवी। तो दोस्तों वो स्मार्ट टीवी मैंने यही जुगाड़ से बनाया था, मतलब यही सेट टॉप बॉक्स कनेक्ट करके बनाया था। तो दोस्तों सबसे पहले हम जाएंगे दोस्तों अभी इसके अंदर। तो जो जुगाड़ था दोस्तों हमारा, जो स्मार्ट टीवी को मैंने बनाया था मतलब CRT टीवी को मैंने स्मार्ट टीवी बनाया था दोस्तों, ये वो जुगाड़ है। इसके जरिए आप चला सकते हैं दोस्तों आपके स्क्रीन कास्ट करके। तो दोस्तों इसके बाजू में म्यूज़िक भी यहाँ पे आप सुन सकते हैं। नेटफ्लिक्स चलता है और या जो टीवी है दोस्तों यहाँ पे आप थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इसमें डाउनलोड करके इसमें आप चला सकते हैं दोस्तों 6000 से भी ऊपर चैनल। तो दोस्तों ये हुआ दोस्तों इसका एक। और प्ले स्टोर भी आप, प्ले स्टोर जैसे आपके मोबाइल में रहेगा दोस्तों कुछ इस तरह से प्ले स्टोर में भी आप जाके वो मतलब जो आपको एप्लीकेशन चाहिए वो यहाँ पे आप कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग के ऊपर आके आपको सबसे पहले आपका वाईफाई कनेक्ट कर लेना है। जो भी आपके घर पे वाईफाई रहेगा या दूसरे थर्ड पार्टी मतलब मोबाइल के जो मोबाइल से हॉटस्पॉट ओपन करके आप ये एप्लीकेशन से मतलब इस बॉक्स में आप वाईफाई दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी कनेक्ट कर रखा है इसलिए मेरे बॉक्स में इंटरनेट चल रहा है। और यहाँ पे आप ऊपर भी देख सकते हैं दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पे एरो मतलब जो एंटीना जो नीचे ऊपर हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मेरा प्रॉपर चल रहा है। और दोस्तों कुछ कारणवश इस बॉक्स में कुछ बग्स आए, कुछ एंटीवायरस जैसा हुआ तो दोस्तों यहाँ पे क्लीन करने के लिए यहाँ पे कुछ बूट्स दिए दोस्तों, इसके जरिए यहाँ पे ये क्लीन हो जाता है दोस्तों। माई फाइल है, माई फाइल में जैसे आपका एंड्रॉयड मोबाइल होता है कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको माई फाइल जैसे एंड्रॉयड मोबाइल में माई फाइल होती है दोस्तों उसी तरह यहाँ पे आपको फाइल एक्सप्लोरर मिल जाता है। उसके जरिए आपको बॉक्स मतलब फोल्डर में क्या कुछ चीज़ें डाली है क्या कुछ नहीं यहाँ पे आप वो पता कर सकते हैं। मतलब दोस्तों आपका आधा काम सेटअप बॉक्स जो है दोस्तों, ये सेटअप बॉक्स एंड्रॉयड टीवी बॉक्स बोलते हैं उसको, ये बॉक्स आपका मोबाइल का काम आधा कर देता है और आधा टीवी का काम कर देता है। 2-in-1 है सेटअप बॉक्स में, एक बोल दूँ तो 2-in-1 है दोस्तों। इसके अंदर जो के सारे चैनल आप इसके अंदर चला सकते हैं। तो दोस्तों हुआ ना एकदम जबरदस्त सेटअप बॉक्स दोस्तों। ये बॉक्स आपको परचेस करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे मैंने इसका परचेस लिंक दिया है दोस्तों, वहाँ पे डायरेक्ट जाके आप इसको परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों ये सेटअप बॉक्स आपको कैसे लगा कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों बहुत ही जल्दी इसका गिवअवे होने वाला है। ये बॉक्स किसी एक सब्सक्राइबर को मेरे पास से फ्री में मिलने वाला है। तो बस आपको लगे रहना है, उतना जितना हो सके उतना आपको इस वीडियो को शेयर करना है। वीडियो को शेयर करते करते वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।